हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसेट्स की जो हम बात करेंगे। एसेट्स हैव कोरोसिव नेचर। तो एसेट कोरोसिव नेचर में कैसे होता है देखिए, मतलब ऐसा कि अगर आप किसी मेटल के ऊपर डालेंगे एसिड तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से से ईटअप कर लेगा, उसको गायब कर देगा उसको, है ना। उसको बोलते हैं कोरोसिव नेचर। और हाथ के ऊपर डालेगा तो हाथ हाथ में कहना में आपका ख़राब कर देगा। बेस भी होते हैं, बेस डालेंगे आप, बेस भी, बेस अगर हाथ में डालता है तो वो भी उसको भी कोरोसिव नेचर होता है। बेस भी हाथ वगैरह में, कहीं ये नहीं कह सोचो कि आप बेस है तो बेस ना डालो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को आपको नहीं डालना है। तो क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो, क्या होता है कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, अगर आप मार्बल वार्बल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड, तो भी इसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है कोरोसिव नेचर। तो एसिड का नेचर कैसे रहता है, कोरोसिव रहता है, ठीक है। अब बात करें कि ऑल एसिड्स कॉमनली प्रोड्यूस एच प्लस। तो मोस्टली जो सारे के सारे जो एसिड हैं, सारे के सारे एसिड होंगे, मतलब जो आर, आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे आर हीनियस एसिड, है ना, लुईस एसिड्स, है ना, तो बोर्न एसिड, लोवरी कॉन्सर्ट वाले एसिड्स, तो वो खाली आर, हमारे जो कोर्स में ना 10th में, वो आर हीनियस एसिड है। तो क्या नाम ज़्यादातर क्या होंगे आपके, मतलब जो हमारे पढ़ाए जाएंगे वो एच प्लस होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एच सी एल है, एच सी एल क्या होगा, एच प्लस वाटर के अंदर, देखिए आप क्या कहोगा, तो एच प्लस और सी एल निगेटिव में टूट जाएगा। तो ये ए क्यू का मतलब क्या है, एक्वस मतलब वाटर के अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा सभी क्या, सारे के सारे एसिड क्या होंगे जो आपके 10th क्लास में आर हीनियस एसिड पढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, वो एच प्लस ही डोनेट करेंगे, तो सबके अंदर क्या होगा, कॉमनली प्रोड्यूस एच प्लस ही होगा। तो एसिड्स क्या होते हैं, एच प्लस ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर या भी सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, वो एच प्लस ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऑल एसिड्स कॉमनली प्रोड्यूस एच प्लस। तो सारे के सारे एसिड में कॉमन बात क्या होगी कि वो एच प्लस आयन निकालेंगे। कौन से, देख लीजिए आप एच टू एस ओ फोर का एग्जाम्पल देख लीजिए, एच टू एस ओ फोर, तो क्या होगा वो एच प्लस और एच एस ओ फोर निगेटिव, है ना, और इसको और भी टूट जाएगा आगे, इसको दो निकल जाएंगे तो टू एच प्लस और एस ओ फोर निगेटिव, पहले एक निकलता है फिर दूसरा निकल जाता है, ठीक है। देखिए एच एन ओ थ्री की बात करते हैं हम, एच प्लस एन ओ थ्री, सारे एसिड्स में कॉमन क्या है कि वो एच प्लस निकाल रहा है, कोई सा भी है, वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सबका कॉमन क्या है, वीक एसिड में कम निकालते हैं स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है। देखो ये निकाल रहा है एच प्लस, कोई सा भी हो आपका, वीक एसिड हो कोई सा भी हो, ऑर्गेनिक एसिड हो कैसा भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सबके सब में कॉमन बात क्या है, सबकी कॉमन बात यह है कि सबके सब एच प्लस निकालते हैं, है ना, सबके सब क्या होगा इसमें, क्या कॉमन बात क्या होती है एसिड्स के अंदर कि वो एच प्लस निकालते हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए सी एच थ्री सी डबल ओ एच, तो क्या होगा सी एच थ्री, सो ये कौन है, एसिटिक एसिड है ना, तो एच प्लस, इसने भी क्या निकाला, एच प्लस निकाला। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, ऑक्सैलिक एसिड ले लीजिए, सिट्रिक एसिड ले लीजिए, सिट्रिक एसिड क्या के अंदर होता है, नींबू के अंदर होता है, लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, सिट्रिक एसिड, वो क्या एक ऑर्गेनिक एसिड है ना। कोई भी एसिड होगा, एसिटिक एसिड होगा, कोई भी होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा, कार्बोनिक एसिड होगा, टार्ट्रिक एसिड होगा, सब एच प्लस निकालेंगे। तो सबकी कॉमन बात क्या है, एच प्लस कॉमन होगा उनके अंदर, सबके अंदर, है ना, वो एच प्लस ही लॉस करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डाले। ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। तो ये जरूरी नहीं कि सारे जो आपके कंपाउंड है और उनके अंदर हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, सारे नहीं होंगे। देखो कैसे, हाइड्रोजन ऐसा होना चाहिए कि वो लॉस करें, वो ऐसा कंपाउंड हो कि वो एच प्लस लॉस करें तो वो एसिड होंगे। अगर ऐसे ऐसा एच प्लस लॉस नहीं कर रहे तो नहीं होंगे। जैसे हमारा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, फॉर्मूला याद नहीं करना आप, चलिए आप इसको शुगर बोल लीजिए, है ना, ग्लूकोज ले लीजिए आप, ग्लूकोज क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, तो ये इसको आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये एच प्लस है, एच है यहाँ पे, लेकिन एच प्लस डोनेट नहीं करेगा, ये है, ये एच प्लस डोनेट नहीं करेगा वाटर के साथ, ये H प्लस नहीं निकालेगा, है ना, ये H प्लस नहीं निकालेगा। तो ये जरूरी नहीं कि ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गई, शुगर हो गया, है ना, जरूरी नहीं कि वो H प्लस निकाल रहे हैं, सारे कंपाउंड के अंदर H है, देखो फॉर्मूले में H है, लेकिन वो नहीं निकाल रहे। तो ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। जरूरी नहीं कि सारे कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो एसिड्स होंगे। इनको पहचानना कैसे, हमें पता है एसिड जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो आप एक आज का टेस्ट देखो कैसे करते हैं हम, टेस्ट है किसका, टेस्टिंग करते हैं। तो एक सॉल्यूशन में क्या लेते हैं आप, एक सॉल्यूशन आप लीजिए वाटर और उसके अंदर आप डालिएगा और क्या है, हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, ये एसिड डालिएगा आप और एक में डालिए आप ग्लूकोज, ठीक है, एक में डालिए आप ग्लूकोज, ग्लूकोज डालिए, शुगर डालिए, जो भी डालना है। तो आपको देखना है कि ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कैसे होगा इसको कैसे चेक करना है,
यहाँ पे आप ये बैटरी आपने लगा रखी है, ठीक है, यहाँ पे आप एक बल्ब लगा दीजिए। अगर गुड, ये करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये गुड कंडक्टर होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा के देखिए, ग्लूकोस वाले सॉल्यूशन में बैटरी लगाइए। बैटरी का सर्किट अभी पूरा हुआ ही नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा जब तक यहाँ से करंट नहीं जाएगा ये सर्किट, तो यहाँ पे आप बल्ब लगा दीजिए, तो आप देखेंगे ये बल्ब यहाँ जलेगा ही नहीं, है ना, कौन ग्लूकोज वाले में। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, इसने अपने आयंस नहीं दिए, और आयंस नहीं दिए मतलब वो एच प्लस में नहीं टूटा, ठीक है। तो एसिड्स क्या होते हैं जनरली, ये एसिडिक एसिड है, देखो ये टूट जाएगा अपने आयंस में, ऑर्गेनिक एसिड है CH3CO निगेटिव एच प्लस, तो आयंस एसिड क्या होते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं, है ना। तो आयंस होंगे तो तभी तो कहना गुड कंडक्टर होगा सॉल्यूशन, तभी तो करंट यहाँ से यहाँ जाएगा और बल्ब जलेगा। बैटरी का करंट एक तरह, एक सिरा ये है बैटरी का, एक सिरा ये है, तो दोनों मिलेंगे तभी तो बल्ब जलेगा, तो दोनों सिरे बैटरी के मिलेंगे यहाँ से और यहाँ से, तभी तो मिलेगा, तो यहाँ से बल्ब जल जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एच प्लस दे नहीं रहा है। फॉर्मूले में तो C6, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका तो मैंने एसिटिक एसिड को बताई थी आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6O12, है ना, C6H6। C6H12O6, है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो ये यहां पे क्या है हमारा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, और वो क्या होता है, शुगर की C12H22O11, ये क्या है आपका, ये आपकी शुगर है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, C6H12O6 की ग्लूकोज है, तो ये क्या होगा, ये एच है, यहाँ भी एच है, आप इसको चाहे ग्लूकोज लो आप, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, काइमेटिक डिसोसिएट नहीं होगा इसके अंदर, इसके आयन टूटेंगे नहीं, तो आयन टूटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या नाम है, गुड कंडक्टर कैसे बनता है, जब ये आपके ये टूटे आयन, तो एसिड टूटता है लेकिन ये नहीं टूटते, तो ये क्या नाम है, क्यों एच आयन के अंदर नहीं टूटते, वजह क्या होती है एक्चुअली, क्या उसके जो जो इसकी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, तो यहाँ से क्या होगा, वो आयनाइज हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से, कोई भी एसिड जो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एच जो होता है डायरेक्टली उससे जुड़ा नहीं रहता, और जो एच जुड़े रहते हैं वो OH, मतलब कहने का मतलब है, वो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रहती है, ये कोवेलेंट करेक्टर रहता है, तो ये इसका कम रहता है, मोर ज़्यादा कोवेलेंट रहता है, कम कोवेलेंट रहता है, तो ये आसानी से आयनाइज नहीं हो पाता, ठीक है। और जो आयनाइज हो पाएगा वही क्या नाम है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और वही एक अच्छा गुड कंडक्टर सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसा सॉल्यूशन जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन रखते हैं वो एसिड नहीं होते, ठीक है। ये हमारा टेस्ट था, हमने टेस्ट किया, तो ऐसे ग्लूकोज क्या है, एसिड नहीं है, जबकि वो क्या रखता है, ग्लूकोज सुक्रोज क्या है, या फिर यूरिया, है ना, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन रखते हैं लेकिन ये एसिड्स नहीं है। तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ वाटर, तो ये कह रहे हैं कि अब्सेंस ऑफ वाटर में जो होगा वो एसिड नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, ठीक है। अगर आप इसको अपने लिटमस पेपर लगाएंगे इस गैस में, इसको आपने गैस को इस चैम्बर के अंदर भर रखी है, तो आपने ये लिटमस पेपर लगाया, तो ये लिटमस पेपर कैसा है आपका, ब्लू है, तो ये ब्लू को रेड नहीं करेगा, ये ब्लू को रेड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि तो ये गैस है, अभी इसके पास क्या है, वाटर नहीं है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl सिर्फ गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड किसको बोलते हैं, गैस को, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं, HCl के सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं, जब ये सॉल्यूशन होगा तो ये क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा, वाटर भी होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है HCl क्या है, एक्वस, तो इस चीज को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और खाली किस गैस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें फर्क है, इसमें इसमें सिर्फ गैस गैस है, इसमें वाटर वाटर, तो आप यहाँ लिटमस पेपर लगाएंगे, यहाँ लिटमस पेपर लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इसका जो ब्लू कलर है वो तो क्या कर देगा, वो रेड में चेंज कर देगा, कौन, ये सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो गैस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बिना वाटर के अब्सेंस में, ये वाटर है नहीं, अभी वाटर के अब्सेंस में आयनाइज नहीं होंगे, आयनाइज होंगे एच प्लस और सीएल में टूटेंगे नहीं, तो ये कलर भी चेंज नहीं करेंगे, तो इनका आयन होना बहुत जरूरी है, वाटर होना बहुत जरूरी है, वाटर के अब्सेंस में ये नहीं कर पाएंगे, ओके।
तो अगर आप इसको कराना चाहते हो, इस गैस को कराना चाहते हो, आप इसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर लो, यहाँ पे मॉइस्चर लगा दो लिटमस पेपर में, तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ तो था ही नहीं, अरे यहाँ तो था, जब ये गैस यहाँ आएगी तो इस वाटर पे जो लिटमस पेपर के ऊपर जो वाटर है उसके साथ आयनाइज होके ये ब्लू से रेड कर देगी इसका कलर चेंज। तो अगर इसमें मॉइस्चर है थोड़ा सा, इसमें से वाटर लगा दो या मॉइस्चर लगा दो लिटमस पेपर में, तो ये गैस भी टेस्ट दे देगी। तो बिना, आपने देखा, बिना वाटर के कोई एसिड जो है वो एसिड नहीं है, तो इन एसिड के वाटर के अंदर ही वो एच प्लस आयन डोनेट करता है, तब जाके वो एसिड होता है। ओके, तो अब आपको आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पता करना है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का टेस्ट करना है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे, ये देख, आपका यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, आपको पता है कि गुड कंडक्टर होता है सॉल्यूशन, तो ऐसे तो उसके अंदर आपके गुड कंडक्टर सॉल्यूशन वही होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिसके अंदर आपका क्या हो, आयंस हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, HI, ये सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है, या H2SO4 क्या हैं, सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो ये अपने H प्लस, अगर ये 100 लोग होंगे, 100 HCl हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, 100 तो निकालेंगे H प्लस और 100 ही आपके Cl, डिवाइड हो जाएंगे 100-100 में, है ना, इस तरीके से। लेकिन जो आपका वीक एसिड होगा, वीक एसिड कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो आप, CH3, COOH, अगर आपके लिए 100 हैं तो वाटर के अंदर ये पूरे के पूरे आयनाइज होते नहीं है, 100 में से 10 लोग जो है ना, 90 लोग तो ऐसे ही बचे रहेंगे, है ना, सिर्फ क्या होंगे, 10 लोग क्या होंगे, आयनाइज होंगे, और 90 लोग क्या ऐसे ही रहेंगे, बहुत ही कम 10% के ये होंगे, सिर्फ यही आयनाइज होगा। तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इसके अंदर यही रहेगा, सिर्फ 10% क्या होगा, आयनाइज होगा। 10 लोग कैसे चेंज होंगे, तो CH3 COO नेगेटिव प्लस 10 H प्लस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ किसने, 100 में से आपने 100 में से कितने आयनाइज हुए, सिर्फ 10 हुए, 10 आयनाइज हुए, तो 10 ये बनेंगे 10, ये सिर्फ 20 आयन्स मिलेंगे यहाँ पे में, है ना, 10 क्या मिलेंगे H प्लस, और 10 ये एनआईन मिलेंगे CH3 COO NiN, ये मिलेंगे 10, है ना, 10 ये मिलेंगे। तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी ना यहाँ पे वो कम होगी, क्योंकि आयंस कम है, ठीक है, जब आयंस कम है तो कंडक्टिविटी कम होगी। अगर आप यहाँ बल्ब लगा दें, हम यहाँ पे क्या लगा दें, एक बल्ब लगा दें, दोनों को वायर को लेके एक बल्ब लगा दें यहाँ पे, ये तो ये बल्ब तेज जलेगा क्योंकि इसमें आयन ज्यादा है, और ये वाला जो बल्ब जलेगा, ये वाला यहाँ से लगा देते हैं, ये बेचारा कम धीमा जलेगा, ठीक है, ये क्या जलेगा, तेज जलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट अच्छा पास हो रहा है। तो वीक एसिड में क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बल्ब तेज जलेगा, और वीक एसिड में क्या होगा कम होगा। तो वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये टेस्ट था हमारा, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये है और वीक एसिड के लिए ये है, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आयंस आपके कम हैं, तो कम आयंस होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो बल्ब हल्का जलेगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आयन ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने हमने डाले वो सब टूट गए, यहाँ पे टूटे नहीं, वीक एसिड कम टूटता है, कम आयनाइज होता है, इसलिए इसको वीक बोलते हैं। तो ये था हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को आप चेक करेंगे कैसे, कि कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप बल्ब की ल्यूमिनिसिटी से, मतलब इंटेंसिटी से, उसकी चमक से, उसकी ब्राइटनेस से पता कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ यूज़ पढ़ते हैं, यूज़ क्या क्या होते हैं इसको, देखो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड को काहे में यूज़ करते हैं, आपको सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं, और नाइट्रिक एसिड को अमोनियम सॉल्ट बनाने में यूज़ करते हैं, और लैडर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इन सब एसिड्स वगैरह को। HCl एसिड को आप उसका जो मेटल होता है ना, स्टील के ऊपर जो मेटल ऑक्साइड लग जाती है उसको रिमूव करने में करते हैं, और लैदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, डाइस ड्रग्स बनाने में, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल लैब्स में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो यूज़ क्या है एसिड्स का, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, HCl कायम यूज़ होता है मेटल ऑक्साइड लेयर रिमूव करने में स्टील के ऑब्जेक्ट के ऊपर से, और कायम में यूज़ होता है डाइस वगैरह में, डाइस के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, पेपर्स के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और लेदर इंडस्ट्री में जो लेदर होती है ना उसको, उसमें यूज़ होता है लेदर इंडस्ट्री में, उसकी टैनिंग में यूज़ होता है, कौन ऐसा आपका ये एसिड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है, ओके, बेस के बारे में पढ़ेंगे, ओके बाय।